मखाने की खीर। तो मैंने सोचा मीठा क्या बना, मखाने की खीर बना देती प्रसाद के तौर पर चढ़ाने के लिए। उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू के गुटके। इसके बाद बनाऊंगी आलू के गुटके। मैंने कुकर में आलू गर्म कर दिया है, उबाल दिए मतलब गर्म कर दिया कैरी सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई मेरी मखाने की खीर तैयार। बस मुझे खाली मंदिर में भोग लगाने के लिए चाहिए था, तैयार कर दिया है। और मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए, चार आलू, इनको छिल लेती हूँ फटाफट। तो मैंने आलू के गुटके पहले डाल दिए यहाँ पे, चखिया और जीरा और साबुत धनिया और डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया आलू में, आलू के गुटके डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा, उसके बाद मुझे बनाना बूंदी का रायता। आलू के गुटके तैयार हो गए। ऐसे हो सकता है कि ऊपर से धनिया ना डाली, गार्निश के लिए भी और टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे खुशबू आते हैं। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला था ऐसे, और धनिया भी डाल देते, अच्छा लगता है आलू के गुटके। पहाड़ी का फेवरेट डिश आलू के गुटके, आलू के गुटके। ये रहा मेरा आलू के गुटका बनाने का तरीका। अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि मैं बन चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया, आलू के गुटके बन गए। और ये चल रही है हमारी सपोर्ट लाइफ, जिसमें मैं यहाँ पे मैसेज भी कर रही हूँ और अपने किचन का काम भी कर रही हूँ। तो गाइस मेरी थाली तैयार हो गई, व्रत की रोटी, रायता, मखाने की खीर और आलू के गुटके। अगर आपको कोई थाली अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसलिए मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, ना ज़्यादा फ़ोन देख रही हूँ। राधे।